जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका TV24 छत्तीसगढ़ में। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन गई है और ऐसे में किसानों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि भाजपा जो है प्रदेश के किसानों के लिए क्या क्या करेगी, किन किन योजनाओं का उन्हें लाभ मिलेगा, सरकार उनके लिए कौन कौन सी योजनाएँ लेकर के आएगी। इन सारी विषयों को लेकर के किसानों के मन में सवाल उठ रहे हैं, तो इन सभी विषयों पर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो बेहतर जानकारी के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि किसानों से जुड़ी खबरें आप सबके लिए हमेशा हम लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। किसानों के लिए जो सबसे पहले BJP के द्वारा जो कार्य किया जाएगा, उसमें पहले नंबर पर है धान खरीदी। तो जी हाँ, 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से BJP है वो किसानों की धान खरीदेगी, साथ ही 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी है वो किया जाएगा। तो जी हाँ, 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से एक मुश्त आपका धान की खरीदी है वो किया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई बोनस है वो शामिल नहीं रहेगा। जैसे पिछले सरकार में आपको बोनस मिलता था, वैसे बोनस की राशि अब आपको नहीं मिलेगी। सीधा एक मुश्त 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से आपकी धान खरीदी की जाएगी। साथ ही पिछले 2 साल के बकाया बोनस को लेकर के भी किसानों के मन में सवाल उठ रहा है कि बकाया बोनस उन्हें कब मिलेगा। तो आप सबको बता दें कि इसी महीने 25 दिसंबर को 2 साल का जो पिछला बकाया बोनस है 2018 से पहले का, वो आपको आपके खाते में सीधे DBT के जरिए BJP सरकार जो है 25 दिसंबर को प्रदेश के किसानों के खातों में जारी करेगी। तो चलिए, किसानों के लिए BJP सरकार के द्वारा एक अच्छी पहल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरी मुख्य बात की। प्रदेश की हर विवाहित महिलाओं को सालाना 12,000 रुपये की राशि है वो दिया जाएगा। तो ये 12,000 रुपये की राशि आपको किस्तों में मिलेगी या एकमुश्त मिलेगी, इसकी घोषणा तो अभी BJP सरकार ने नहीं की है, लेकिन सालाना 12,000 रुपये की राशि प्रदेश के समस्त विवाहित महिलाओं को BJP सरकार के द्वारा दिया जाएगा। वहीं जो ऐसे लोग हैं जो बेघर है या जिनका मकान कच्चा है, उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के 18 लाख लोगों को आवास है वो राज्य सरकार जारी कर। साथ ही तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले किसानों को 5,500 रुपये की दर से तेंदुपत्ता का विक्रय किया जाएगा। वहीं धान खरीदी में बारदाने को लेकर के हर साल समस्या का सामना किसानों को करना पड़ता है, तो इसका भी निपटारा है वो BJP सरकार करेगी, और बारदाने की उत्तम व्यवस्था है वो किया जाएगा। किसानों को अपना बारदाना है वो धान खरीदी केंद्रों में लाना नहीं पड़ेगा, सरकार जो है बारदाने की उत्तम व्यवस्था करेगी। वहीं अगली मुख्य घोषणा की ओर आगे बढ़े, जिनमें है 500 रुपये में गैस सिलेंडर। जी हाँ, प्रदेश के जो सभी गैस उपभोक्ता हैं उन्हें 500 रुपये की दर पे गैस का सिलेंडर है वो मुहैया कराया जाएगा। वहीं आगे और बात करें किसानों को लेकर के, तो किसानों के लेकर के अभी कुछ और योजनाएं हैं वो BJP जारी करने वाली है। नई नई सरकार बनी है तो इन सब कार्यों में थोड़ा समय है वो लगेगा, और आशा है कि किसानों को लेकर के BJP जो है गंभीर हो और उनके न्याय और विकास के लिए एक बेहतर कार्य है वो करे। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अपने अन्य मित्रों तक खबरें हैं वो जरूर शेयर कीजिए, और इस विषय में आपका कोई राय है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम किसानों से जुड़ी खबरें आप सबके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।